दोस्तों, क्यूब बनाते बनाते कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे क्यूब में सिर्फ दो कॉर्नर ऐसे होते हैं कि वे अपनी जगह पे ठीक से बैठते हैं और दो कॉर्नर ऐसे होते हैं कि वे ठीक से नहीं बैठते। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेरा ये जो ब्लू है ये कहीं पर भी नहीं है, यानी ये गलत बैठा है। उसी प्रकार से यहाँ पर है मेरा जो हरा है, ग्रीन है, वे कहाँ, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, वो भी अच्छी तरीके से नहीं बैठा है। तो यहाँ पर जो है रेड देखें, यहाँ पर है ब्लू, यहाँ पर है और येलो यहाँ पर है, तो ये ठीक से बैठा है। उसी प्रकार से रेड यहाँ पर है, ब्लू सॉरी ग्रीन यहाँ पर है और येलो यहाँ पर है, तो ये दो जो कॉर्नर हैं वे अच्छी तरीके से बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों नहीं बैठे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा कि उस स्टेप से आपको, उस स्टेप करने से आपके जो कॉर्नर हैं चारों के चारों वे ठीक से बैठ जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ठीक से नहीं बैठे हैं उसे अपनी ओर रखना पड़ेगा और फिर मैं एक स्टेप आपको बताता हूँ। देखिए क्या करना है, ये जो है इसे दो बार नीचे करना है, ठीक है। दो बार नीचे करने के बाद ऊपर का जो कॉर्नर है, ऊपर का जो है लेयर, उसे आपको दो बार ऐसे घुमाना है, ठीक है। ऐसे घुमाने के बाद फिर इसको दो बार आपको ऐसे नीचे घुमाना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको, आपने एक लेयर जो घुमाया था, अब आपको दो लेयर जो है वह दो बार ऐसे घुमाने हैं, यानी आपके जो व्हाइट है वह इस तरह से आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, इसे ही फिर से दो बार नीचे घुमाना है और जो आपने दो जो है वो घुमाए थे उन्हें फिर से आपको ऐसे घुमाना है। और इस प्रकार से ही अब ये आपका जो क्यूब है इसके जो चारों जो कोने हैं वे बैठ जाएंगे। लेकिन ये करने से क्या होता है, हमारे जो सेंटर के जो होते हैं कॉर्नर वे ठीक से नहीं बैठते। तो अब मैं क्या करूँगा कि आपको अब पूरा जो क्यूब है वह आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये ठीक है, तो इसे हम ऐसे रखेंगे और ये वाली स्टेप करेंगे, इसे ऊपर, इसे दो बार ऐसे करेंगे, इसको नीचे, यानी कि अब 3x3 के जैसे ही मैं क्यूब को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे जो दो है रेड और ग्रीन, अब हम इसको ऐसे रखेंगे, फिर से ये स्टेप करेंगे, इसे ऊपर करेंगे, इसे दो बार ऐसे घुमाएंगे, नीचे करेंगे, वापस ऊपर, वापस और व्हाइट आ जाने के बाद नीचे। अब हमारे जो सेंटर के जो है वे अच्छी तरीके से बैठ जाएंगे। अब हमें कोनों को देखना है कि वे बैठे हैं या नहीं। ऑरेंज है यहाँ पर है, यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर है और ये येलो यहाँ पर है। उसी प्रकार से ये गलत बैठा है, तो एक जो है जो ठीक से बैठा है उसे हम दाहिनी ओर रखेंगे और ये स्टेप करेंगे, इसे ऊपर करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे ऊपर करेंगे, फिर से वापस वाइट नीचे, फिर से वापस और वाइट नीचे। अब देखेंगे कि हमारे कोने अच्छे तरीके से बैठे हैं या नहीं, ये ठीक बैठा है। अब ये देखिए येलो और रेड और ग्रीन, तो ये भी अच्छे तरीके से बैठा है और रेड और ये ग्रीन सॉरी ये ब्लू यहाँ पर, येलो यहाँ पर, तीनों बैठे हैं तो चौथा भी बैठ जाएगा, ब्लू येलो और ऑरेंज यहाँ पर। तो हमारे जो कोने हैं वे ठीक तरह से बैठे हैं। अब हम क्या करेंगे, क्यूब को यहाँ पर जैसे हम स्टेप्स करेंगे वैसे ही यहाँ पर करेंगे, जैसे कि हम 3x3 में करते हैं। तो इसे देखिए, इसे ऊपर, इसे दो बार ऐसे घुमाएंगे, नीचे करेंगे, फिर से ऊपर करेंगे, फिर से वाइट को नीचे। वही स्टेप यहाँ पर करेंगे, इसे दो बार ऐसे घुमाएंगे, फिर से नीचे करेंगे, फिर से ऐसे और फिर से ऐसे, ठीक है। अब देखिए हमारा कौन सा अभी तक तो नहीं हुआ है, हम ये स्टेप करते रहना है जब तक हमारा क्यूब सॉल्व नहीं हो जाता। इसी स्टेप को हम रिपीट करेंगे, ये जो है 3x3 के जैसे ही स्टेप्स है, कुछ अलग नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये बैठ चुका है, तो इसे हम इस तरफ रखेंगे और फिर वही स्टेप, ऊपर दो बार ऐसे, नीचे फिर से वापस, फिर से ऊपर, वाइट को आ जाने के बाद नीचे, इसको ऊपर दो बार ऐसे घुमाएंगे, फिर नीचे करेंगे, इसको ऐसे,
अब देखिए हमारी एक साइड जो है वो सॉल्व हो चुकी है, सिर्फ दो ही कोने जो है वो हमारे रह चुके हैं। तो फिर से वही स्टेप, इसको दो बार ऐसे करेंगे, नीचे करेंगे, फिर से ऐसे करेंगे, ऊपर करेंगे, वाइट आ जाने के बाद नीचे। तो ऐसे करने से नहीं हुआ है तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे स्टेप में, इसे एक बार ऊपर, दो बार ऐसे, फिर नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर, और वाइट आ जाने के बाद नीचे। अब क्या करेंगे, इसे हमने ऐसे घुमाया था तो हम इसे ऐसे घुमाएंगे, फिर नीचे, और अब हमारा जो क्यूब है वो सॉल्व हो चुका है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि जो सेंटर के दो बैठ जाते हैं, सॉरी कॉर्नर के दो नहीं बैठते, दो बैठ जाते तो क्या करेंगे, इसे हमने दो बार नीचे किया, इसे दो बार घुमाया, फिर से इसे दो बार नीचे किया, उसके बाद ये जो दो लेयर है इसे हमने घुमाया, फिर से इसे नीचे दो बार किया, और फिर से जब दो बार इसे घुमाया उसके बाद हमने कुछ स्टेप्स किए और हमारा क्यूब जो है अब वो सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है स्टेप्स। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्यूब के बारे में कोई संदेह है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।